नमस्कार मित्रों, ऋषि चिंतन चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज का चैप्टर है गायत्री और यज्ञ। भारत के प्रसुप्त अंतर आत्मा को जगाने के लिए ज्ञान और विज्ञान की प्रतिष्ठापना करना सर्वप्रथम कार्य है। इन दोनों के बल पर ही कोई व्यक्ति या राष्ट्र उन्नति कर सकता है। जब इनमें ऐसे एक भी कमी हो जाती है तो अधपतन प्रारंभ हो जाता है। ज्ञान का अर्थ है विद्या, बुद्धिमता, विवेक, दूरदर्शिता, सर्वधर्म, उदारता, न्याय, प्रियता। विज्ञान का अर्थ है योग्यता, साधन, शक्ति, संपन्नता, सिद्ध सफलता और प्राप्त करने की सामर्थ्य। आत्मिक और भौतिक दोनों के क्षेत्रों में जब संतुलित उन्नति होती है तभी उसे वास्तविक विकास माना जाता है। भारत प्राचीन काल में बुद्धिमान बनने के लिए ज्ञान की और बलवान बनने के लिए विज्ञान की उपासना करने में सदैव संलग्न रहता था। योगी लोग जहाँ भक्ति भावना द्वारा भगवान में संलग्न होते थे वहाँ कष्ट साध्य साधनाओं तथा तपस्याओं द्वारा अपने में अनेक प्रकार के सामर्थ्य भी उत्पन्न करते थे। भावना से भगवान और साधना से शक्ति प्राप्त होती है, यह निर्विवाद है। आज का ज्ञान प्रत्यक्ष दृश्यों, अनुभवों तथा विज्ञान मशीनों पर अवलंबित है। भौतिक जानकारी तथा शक्तियों प्राप्त करने के लिए भौतिक उपकरणों का ही आज के वैज्ञानिक प्रयोग कर रहे हैं। यह तरीका बहुत खर्चीला, संसाध्य, स्वल्प फलदायक एवं चिर अस्थायी है। जो ज्ञान बड़े बड़े विद्वानों, प्रोफेसरों द्वारा उत्पन्न किया जा रहा है वह भौतिक जानकारी तो काफी बढ़ा देता है, वह उससे अंतकरण में आत्मिक महानता, उदार दृष्टि तथा लोक सेवा के लिए आत्मत्याग करने की भावना पैदा नहीं होती। आज का तथा कथित ज्ञान मनुष्य को अधिक स्वार्थी, खर्चीला एवं बनावट प्रसन्न बनाता जा रहा है। दूसरी ओर जो वैज्ञानिक उन्नति हो रही है उससे एक और जहां थोड़ा सा लाभ होता है दूसरी और उससे अधिक हानि हो जाती है। प्राचीन काल में ज्ञान और विज्ञान के आधार आज से भिन्न थे। आज जिस प्रकार हर वस्तु जड़ जगत में से भौतिक परमाणुओं में से खोजी जाती और उपलब्ध की जाती है उसी प्रकार प्राचीन काल में प्रत्यक्ष वस्तु, प्रत्यक्ष शक्ति आत्मिक जगत में से ढूंढी जाती थी। आज का आधार भौतिकता के प्राचीन काल का आधार आध्यात्मिकता था। ज्ञान और विज्ञान की हमारी प्राचीन शोध गायत्री और यज्ञ के आधार पर होती थी क्योंकि यही दोनों आध्यात्म विद्या के माता पिता है। गायत्री ज्ञान रूपिणी है, यज्ञ विज्ञान प्रतीक है। गायत्री मंत्र के रब अक्षरों में मनुष्य जाति का ठीक प्रकार प्रदर्शन करने वाली शिक्षाएं भरी हुई है। इसके अतिरिक्त इन अक्षरों का गुंथन रहस्यमय विद्या के रहस्यमय आधार पर भी है। इन अक्षरों के नियमित उपासना से अलौकिक शक्तियाँ एवं आध्यात्मिक गुणों की तेजी से अभिवृद्धि होती है, बुद्धि तीव्र होती है, जिसके आधार पर जीवन की समस्याओं की अनेक गुंथियों को सरल किया जा सकता है। यज्ञ का विज्ञान अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। वेद मंत्रों की शब्द शक्ति को विशिष्ट कुंडों, समाध्याओं, अवयवों, चरुओं के साथ उत्पन्न ही हुई विशिष्ट सामर्थ्यवान अग्नि में सम्मिलित कर देने पर रेडियो सक्रिय शक्ति तरंगों का आविर्भाव होता है।
यह शक्ति तरंगे रेडार यंत्र की तरफ संसार के किसी भी भाग में भेजी जा सकती है। किसी व्यक्ति के विशेष प्रयोजन के लिए शरीर में भरी जा सकती है। प्रकृति के गृहीय गृह में किसी विशेष प्रयोजन के लिए प्रविष्ट कराई जा सकती है। सांस्कृतिक पुनरुत्थान ज्ञान और विज्ञान के बिना असंभव है। भारतीय संस्कृति का बीज मंत्र गायत्री है। उसकी शिक्षाओं तथा शक्तियों के आधार पर हमारा सारा ढांचा खड़ा हुआ है। भौतिक माता पिता हमें शरीर, संपत्ति, शिक्षा, सुविधा, आश्रय, सहयोग, स्नेह आदि बहुत कुछ देते हैं। गायत्री माता और यज्ञ पिता की यदि हम प्रतिष्ठा और उपासना करें तो उसके द्वारा हम और भी उत्तम एवं महत्वपूर्ण वस्तुत्व प्राप्त कर सकते हैं। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।